के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जीएनएम और एएनएम की काउंसलिंग की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में 45 पारा मेडिकल कॉलेज से आए अभ्यर्थियों का कागजात जांच के साथ साथ काउंसलिंग की जा रही है। कई जिलों से आए अभ्यर्थियों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के द्वारा विभिन्न पारा मेडिकल कॉलेजों से आए अभ्यर्थियों के लिए वहां से काउंसलर को आना था, लेकिन कई जिलों से काउंसलर नहीं आए, जिसके कारण अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ साथ कॉलेज में इधर से उधर भटक रहे हैं। रेडियोलॉजी में मेरा होना था, हम मुंगेर में, और लोग थोड़ी यहाँ के लोग की रह पाएंगे। क्या बोला? और हम लोग दूर से आए हैं, डेली आना जाना हम लोगों के लिए यहाँ रहते हैं तो रोज आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। क्या बोला जा रहा है? मतलब टीचर आए हम लोग का करे काउंसलिंग। क्या नाम है? माहे तलक। क्या भागलपुर है? अगर ये बड़ा ब्रांच है तो आसपास के 2-3 कॉलेजेस को यहाँ रेफरल दिया जाता है कि आपका वेरिफिकेशन यहाँ होगा। अगर 12 फरवरी लास्ट डेट है तो उससे पहले हम सबका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अभी एक पेरेंट्स बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ होगा सर, हम लोग यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हैं। तो भागलपुर के एक टीचर का जवाब ये था कि हम आपको बुलाए हैं, आपके पास बुलाने का पावर ही नहीं है कि आप बुलाएगा। आप इतना चिल्ला के किसी से एक तो बात नहीं कर सकते, मोरल ड्यूटी, और प्लस आप पैसे ले रहे हैं, किसी का मुफ्त में काम नहीं कर रहे हैं। आपका काम है उस चीज़ को करना। किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है? पैसा नहीं लिया जा रहा है कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए टीचर, उनको सैलरी मिल रही है ना। तो आप ये जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उसके बदले पैसा ले रहे हैं। तो क्यों आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? आपको करना चाहिए ना, बदतमीजी से बात क्यों किया जा रहा है? एक मोरल ड्यूटी होती है आदमी की, कम से कम तमीज से बोले, वो बड़े हैं आपसे, लेकिन ये भी यहाँ नहीं किया जा रहा है। कल से यहाँ पे हैं, नया शहर है, कोई जानता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ। यहाँ के टीचर बोल रहे हैं अभी टीचर नहीं आए, यदि हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम लोग खुद करा लेंगे। उन लोग बोल रहे हैं कि जहाँ टीचर आए उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम लोग खुद करवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं कह सकते कब होगा नहीं होगा, कोई अथि नहीं है कि कब तक होगा नहीं होगा। 12 तारीख तक है, 10 तारीख हो गया, 2 दिन और है। तो कब से यहाँ पर? कल से। और क्या परेशानी है? अब परेशानी तो नहीं, हम लोग को वेरिफिकेशन कराने आए, नहीं कुछ है, कुछ सूचना ही नहीं कि होगा नहीं होगा। कम से कम रहता कि हाँ आज नहीं आए कल आएंगे, टीचर कोई अथि नहीं दे रहे हैं। क्या नाम हो? सुषमा कुमारी। भागलपुर की सड़कों पर अक्सर जाम का महाजाल बिछा नजर आता है और आम नागरिकों को इस चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से रोजाना मुसीबत उठानी पड़ती है। लेकिन आज आम नागरिकों के साथ साथ भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भी जाम का शिकार नजर आए। दरअसल तिलखा मांझी चौक पर ट्रैफिक लाइट होने के बावजूद अक्सर लंबा जाम लगा रहता है। इसी क्रम में आज तिलखा मांझी से कचहरी चौक रोड में खुद भागलपुर के जिलाधिकारी का काफिला फंसा नजर आया और उनके सुरक्षा गार्ड्स जाम को छुड़वाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। करीब 10 से 15 मिनट तक जाम में फंसने के बाद जिलाधिकारी की गाड़ी आगे बढ़ी। सुल्तानगंज में कल मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर सुल्तानगंज गोरखट पुल का निरीक्षण करने डीएम सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी बाबूराम गलबल के साथ पहुंचे। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गोरखट पुल का निरीक्षण किया, वहीं पास में बन रहे हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिए गए बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने टिप्पणी की है। अजित शर्मा ने कहा कि चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी को समाजवादी याद आते हैं, नीतीश जी इतने ही अच्छे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार के युवकों को रोजगार दीजिए। किसी नेता के घर से कोई राजनीति में आकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को सबसे समाजवादी का करार दिया और उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटा परिवार के कोई लोग नहीं आए आगे, और आज आदरणीय शिवानंद जी ने कहा
कि माननीय नीतीश कुमार जी को बेटा का एहसान मंद होना चाहिए कि वो राजनीति में नहीं आए, इसलिए वो समाजवादी है। अरे आप लोग सिर्फ समाजवादी की बात कर रहे हैं, समाजवादी समाज का सेवा करने वाले को बोलते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन परिवारवाद कर रहा है? अमित शाह जो उनके गृह मंत्री है, उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना है जो क्रिकेट खेलने नहीं जानता, तो आप सब में परिवारवाद भरा है। राजनाथ सिंह जी का बेटा एमएलए है, तो आप इस तरह प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और शिवानंद जी एहसान क्या माना? अगर बेटा आना चाहता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो जो भी नेता है अपने बेटा को लाना चाहिए और देश के विकास में लगना चाहिए।